कंपलसरी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सरल विशारद की कविता पढ़ेंगे, देश की नस्लें। इस कविता में कवि ने अपने अंतर्मन के दर्द को दर्शाया है कि वर्तमान की जो हमारी भारतीय जो पीढ़ियां हैं वो किस तरह की हो गई हैं, तो हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है। आइए कविता पढ़ते हैं। बच्चे सब रोगी हैं, जवान सब भोगी हैं, पक्की उम्र के कुछ अनुभवी बडेरे, चेतना के खरे चितेरे, वीतराग योगी हैं, रोगी भोगी योगी, नस्ल जिस देश की ऐसी होगी, क्या खाक प्रगति वहाँ होगी। तो जो वर्तमान युग की जो तीन पीढ़ियां हैं, जैसे इसमें बच्चों को रोगी बताया गया है, जवान जो है वो सुख सुविधाओं को भोगने में लगे हुए हैं, अर्थात वो हर चीज़ का अंधाधोहन कर रहे हैं, चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे वो अपने जीवन में सुख सुविधाओं का हो, उन्हें स्वयं अपने से ही अपना भोगना ही दिखता है, दूसरों के सुख दुख से उनका कोई लेना देना नहीं है। और कुछ अनुभवी जो हैं, बडेरे हैं अर्थात बुजुर्ग हैं, उनको उनकी चेतना जो है कैसी है, योगियों जैसी, अर्थात वो फिर भी थोड़ा बहुत चिंतन मनन करते हैं, थोड़े योगी तरह के हैं। तो जिस जिनको थोड़ा सा चेतना जिनकी जागृत होनी चाहिए थी, जैसे युवाओं की, उनकी कैसी है, वो भोगी हैं। तो इस समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर तीन तरह के लोग हैं, रोगी हैं, भोगी हैं और योगी हैं। तो ये तीनों जहाँ पर जिस देश की इस तरह की तीन नस्लें होगी, वहाँ का देश कैसे प्रगति कर सकता है। अर्थात जो बच्चे हैं वो रोगी हैं, क्यों हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या किस तरह की हो गई है। वर्तमान में हम देखते ही हैं बच्चों को कि क्या क्या उनका, ना कोई खान पान है, ना कोई आचार विहार है, ना कोई उनका उनको कोई संस्कृति मूल हमारे कर्तव्य है, उनको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में जो बच्चे हैं वो किस तरह के हो गए हैं कि सुबह देर तक सोते रहते हैं, फिर मोबाइल चलाते रहते हैं, खाना पाना जो है आजकल कितना फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे क्या है, भारत की जो बच्चे जो हैं वो क्या हैं, रोगी हो गए हैं। पहले के ज़माने के बच्चे क्या होते थे, सूर्य उदय से पहले उठते थे, व्यायाम किया करते थे, है ना, और कठिन परिश्रम करते थे, पढ़ने के लिए दूर दूर स्कूलों में जाया करते थे। आजकल घरों के आगे बसें ले लेती हैं, तो बच्चों की दिनचर्या में बदलाव आने के कारण वो क्या है, अपने शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देते हैं, तो उससे क्या है, उनका शरीर उस तरह का ही हो गया है। मोबाइल देख करके आंखें खराब कर रहे हैं बच्चे, आप देख ही रहे हो कि किस तरह से टीवी वगैरह देख करके बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उनको क्या है, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे क्या है, वर्तमान देश की जो बच्चे हैं वो रोगी हो गए हैं। जवान जो है वो क्या है, कमाई करने की अंधाधुंध दौड़ में भाग रहे हैं, ठीक है, इंसानियत भूल रहे हैं, अपना ही सब सोचते हैं, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता है, केवल अपने भोग को ही देखता है। और लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं जो अनुभवी हैं, जो जिन्होंने इतनी उम्र में कुछ गहरे अनुभव ग्रहण किए हैं, तो वो क्या हैं, योगी की तरह हैं, मतलब उन वो योगी बन गए हैं, समझो उनके उपदेशों को, उनके ज्ञान को कोई ग्रहण करना ही नहीं चाहता है। तो जिस समाज की या जिस देश की रोगी भोगी और योगी ये तीन तरह की नस्ल होगी, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो इसमें इस कविता के अंदर सरल विशारद ने देश की इन नस्लों पर ही तीखा व्यंग किया है कि वर्तमान भारत में लोग किस तरह के हो गए हैं, ये तीन पीढ़ियां किस तरह की हो गई हैं।